पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए आज हम यहाँ पहुँचे, मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रभारी विनय चौधरी जी, हमारे मेयर प्रत्याशी रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष इस्लाम खुर्शीद जी, हमारे यात्रा के संयोजक जो पूरे देश में यात्रा रूट बना रहे हैं और एक तरह नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं भाई ईशान मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के महासचिव अमरोहा से विधानसभा लोकसभा प्रत्याशी रहे सचिन चौधरी जी, और गुम्बर साहब हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर जी, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्तागण यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो नया यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी चंदौली से, और अब आने वाली 24 तारीख को राहुल जी अपने अमन चैन भाईचारे के संदेश के साथ, मोहब्बत के संदेश के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में यात्रा का आगाज मुरादाबाद से करेंगे, और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आम जनता में इस बात का उत्साह है कि राहुल जी यहाँ पहुँचेंगे और जो उनकी मुहिम है देश को बचाने की मुहिम, देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आपसी भाईचारे को बचाने की मुहिम, देश के किसान की आवाज़ को बचाने की मुहिम, दलित पिछड़ा किसान को बचाने की मुहिम, हर व्यक्ति को हर आंदोलन को बचाने की उनकी कुव्वत है और उनका संदेश है, उसको लेकर आप पहुँचेंगे। सभी लोगों में उत्साह है, उस यात्रा के हम तैयारी के लिए पहुँचे हैं, और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाली 24 तारीख को पूरे जोर शोर से गाजे बाजे से मुरादाबाद में यात्रा का स्वागत किया जाएगा। सभी कांग्रेसजन और मुरादाबाद की जनता जो अपने महबूब नेता, अपने प्रिय नेता जन नेता राहुल गांधी जी को देखने के लिए, हम सबके नेता प्रियंका गांधी जी को देखने के लिए मुरादाबाद की सड़कों पर उतरेगी, और राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में एक नया मुरादाबाद में एक नया आयाम लिखा जाएगा, और भाजपा की हार की शुरुआत अब मुरादाबाद से होगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।